डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा थॉट है वो हमारे दुश्मन देशों के लिए है कि छिप कर करता है तू वार, छिप कर करता है तू वार, ये तेरी कायरता की निशानी है। क्या भारत इसका जवाब भी ना देगा, ये समझना तेरी सबसे बड़ी नादानी है। दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गधा बैच के अंदर चैप्टर नंबर 22, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में। तो चलिए, जेंडर को समझने से पहले हम इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ है, कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि सिलेबस में जो इस तरफ पूरे जो 13 चैप्टर दिए हुए हैं, इन 13 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, चाहे वो कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, वो कैब हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, वर्ब और उसके टाइप्स हो, क्वेश्चन टैग्स हो, सेंटेंसेस हो, टेंसेस हो, इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग के साथ साथ जो ऑर्डरिंग वर्ड्स हैं, इनको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है और समझा भी है, कॉपी में नोट डाउन भी करा हुआ आप लोगों ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी हम देखते हैं कि किन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी है। यहाँ पे हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, एंटोनिम्स को भी बहुत अच्छी तरीके से देखा था, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स, इंट्रोजेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, नंबर्स के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में और आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम एडवर्ब, राइमिंग वर्ड्स और सिंगुलर प्लुरल के बारे में भी चर्चा करेंगे, राइट। देखिए, नंबर्स के अंदर हमने सिंगुलर प्लुरल ऑलरेडी देखा है, लेकिन फिर से भी हम डिस्कस कर लेंगे सिंगुलर प्लुरल क्या होते हैं, राइट, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आगे आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन को चेंज किया जाता है। देखिए, जेंडर का सिंपल सा मतलब होता है, यानी कि एक मेल और फीमेल के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि नाउन के अंदर जो जेंडर होते हैं ना, उनको चार टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला, जिसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर, इसको हम कहते हैं मेल, सिंपल मेल जेंडर से होते हैं। दूसरा होता है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसको हम कहते हैं फीमेल, फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन जेंडर। इसी तरीके से तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। इसी तरीके से फोर्थ होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फीमेल को फेमिनिन जेंडर बताता है हमारा। देखिए, अगर कोई जेंडर ऐसा है जो मेल की प्रजाति का बोध कराता है, जैसे कि फादर, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर होगा। इसी तरीके से किंग मतलब राजा, अंकल, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो मेल को बताते हैं उनको हम कहते हैं मैस्कुलिन, जैसे एक्टर, राइट, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जो फीमेल का बोध कराता है, जैसे फादर का मदर हो गया, माता, किंग का क्वीन, अंकल का आंट, एक्टर का एक्ट्रेस, राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं वो फेमिनिन को बता रहे हैं। अच्छा, कॉमन जेंडर क्या होता है, जो मेल और फीमेल दोनों को बताता हो, जैसे टीचर हो गया, टीचर हम मेल को भी कह सकते हैं और फीमेल को भी कह सकते हैं, फ्रेंड मेल को भी कह सकते हैं, फीमेल को भी कह सकते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बेबी, बेबी में बॉयज भी और गर्ल्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेबी कहा जाता है, कॉमन होते हैं वो, जिसमें मेल भी होता है फीमेल भी हो सकते हैं, बेबी कहते हैं छोटे बच्चों को, सर्वेंट नौकर, मेल हो या फीमेल हो, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कॉमन को बोध कराते हैं, यानी कि जिसमें फीमेल भी हो मेल दोनों के लिए सेम वर्ड का यूज करते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अच्छा, फिर न्यूट्रल जेंडर का क्या होना चाहिए, न्यूट्रल जेंडर जो होता है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स को बताता है, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती,
जैसे हमारी चेयर हो गई, ये न्यूट्रल जेंडर है, जैसे हमारा पैन हो गया, ये हमारा टेबल हो गया, टेबल ये भी न्यूट्रल जेंडर है, और इसके अलावा रूम हो गया, ये कमरा पूरा ये भी न्यूट्रल जेंडर है। इसके अलावा स्पून, चम्मच, रजिस्टर्स ना, रजिस्टर्स जो नॉन लिविंग थिंग होती है ना, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। आपकी कॉपी न्यूट्रल जेंडर है। तो न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती, जिंदा नहीं होती, जीवित नहीं होती, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, टेबल, रूम, स्पून, रजिस्टर, ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब होता है जिसमें कि मेल फीमेल दोनों होते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, फ्रेंड हो गया, स्टूडेंट हो गया, इसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जिसमें कि मदर हो, क्वीन हो, अंट हो, एक्ट्रेस हो, जो फीमेल का बोध कराती है, उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसी तरीके से मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जिसमें कि फादर हो, किंग हो, अंकल हो, एक्टर हो, जो मेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो चार जेंडर आपको समझ आ चुके हैं, लेकिन हम कुछ रूल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल से रूल होने वाले हैं, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि मेल से फीमेल में किस तरीके के वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे और मिलेंगे भी आपको, जिसके अंदर हम क्या करते हैं डायरेक्टली, मतलब अगर आप रूल को समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम ई डबल एस भी लगा देते हैं, तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बन जाता है, राइट। क्या लगा देते हैं, जैसे ई डबल एस लगाने से बन जाता है, जैसे ऑथर हो गया, ऑथर का मतलब होता है लेखक, और ऑथरेस का मतलब होता है लेखिका, ई डबल एस लगा दिया तो लेखिका बन जाती है। इसे होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, और होस्टेस, HOST EESS, एयर होस्टेस कहा जाता है, जो वायु, जो हमारे विमान होता है उसमें जो उसकी मेजबानी करती है उसको होस्टेस कहा जाता है। ज्यू, ज्यू को ज्विस भी कहा जाता है, और पोएट मतलब कवि, फिर पोएटिश हो जाता है। यस सर, ट्यूटर, ट्यूटर, ट्यूटर मतलब पढ़ाने वाला, और पढ़ाने वाली को ट्यूट्रेस। इसी तरीके से लॉयन, तो शेर होता है, इसका मतलब शेरनी का, LIONE ESS, लॉयनस। टेलर मतलब दर्जी होता है, LOR, तो टेलरेस हो जाता है, TALTAILORES। तो ये एक सिंपल होता है, इसमें ई डबल एस लगा करके मेल से फीमेल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं जेंडर में। चलिए एक चीज़ तो आप समझ पाए हैं, एक और भी रूल है, कुछ और भी रूल होते हैं। उन रूल्स में होता क्या है कि कॉन्सोनेंट जो वर्ड होता है ना, उसको हम चेंज करते हैं, मतलब कि अंतिम के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक्टर हो गया, तो ई एस जोड़ने से फेमिनिन बन जाता है। कुछ केसेस में मैस्कुलिन के लास्ट में अगर हम जो वर्ड रहता है उसमें जोड़ने से बन जाता है, जैसे कि वेटर हो गया, ES जोड़ने से बनता है, जैसे कि एक्ट्रेस, एक्टर हो गया ना, एक्टर, तो एक्ट्रेस में क्या होता है, ACTRES, लेकिन ये वॉवेल गायब हो जाता है। इसी तरीके से हंटर, HUNTER, ये हंटरस हो जाएगा, HUNTRES, ये क्या गायब हो गया, ई इसका गायब हो जाता है। इसी तरीके से प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, तो प्रिंसेस हो जाता है, इसका मतलब प्रिंसेस हो जाता है, मतलब ये जो ई है ना वो हट जाता है, इसको हटाना पड़ता है। वेटर का, वेटरेस हो जाता है, जैसे वेटर, इसका हो जाता है वेटरेस, RES, वेटरेस, राइट। और डायरेक्टर, तो डायरेक्टर्स हो जाता है, ये ई ओ हट जाता है डायरेक्टर्स का। टाइगर है, हो जाता है TIZRES, टाइगर, TIGRES, तो टाइगर्स हो जाता है। ये भी एक तरीके का रूल है, जिसमें कि हम ई को हटा रहे हैं, ये वोवेल को हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं,
वॉवेल को हटा दे रहे हैं, ए ई आई ओ यू जो भी दिख रहा है उसको हम हटा के भी बनाते हैं, और जिसमें लास्ट में भी चेंज करके भी बनता है, लास्ट चेंज करके भी बनता है, ये भी होता है रूल कि हम लास्ट चेंज करके भी बनाते हैं। कुछ केसेस में जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उनके शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है और अंत में ई डब्ल्यू एस लगाने पे बन जाता है, कुछ चेंज करता है, मतलब शब्दों में चेंज किया जाता है, शब्दों में चेंज करके भी बनता है, मेल से फीमेल। जैसे एम्परर, एम्परर मतलब होता है राजा, PEROR, तो एम्परर हो जाता है, EMPRESS, एम्प्रेस, जैसे गॉड है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज कर देते हैं, गॉडेस हो जाता है, मास्टर तो ये हो जाता है इसका मिस्ट्रेस, और इसका मतलब होता है जादूगर, SORCRER जाता है, SORCERESS। इसी से ड्यूक, डचेस हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस शब्दों में चेंजेस करके ई डब्ल्यू एस लगा करके भी बन जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड का मतलब जैसे कि मैन सर्वेंट होता है, मैन सर्वेंट होता है, तो ये हो जाता है मैड सर्वेंट। तो मैन का मैड होता है, ये वाले वर्ड चेंज होते हैं, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, तो ये चेंज करके हम बना लेते हैं सिस्टर इन लॉ, इसी तरीके से ही बीर ये हो जाएगा शी बीर, पुल काफ है तो काउ काफ हो जाएगा, काउ काफ हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, बुल का ये काउ हो जाएगा, ही का ये शी हो जाएगा, ब्रदर का ये सिस्टर हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कुछ कुछ में लास्ट वर्ड में भी चेंज करके बनता है, जैसे कि लास्ट वर्ड में कैसे चेंज करके बनेगा, जिसके लास्ट में जैसे लैंडलॉर्ड है, जैसे एक वर्ड है लैंडलॉर्ड, राइट, जैसे कि जैसे जैसे लैंडलॉर्ड है, राइट, LANT लैंडलॉर्ड, तो लास्ट वर्ड हम चेंज कर देते हैं, लैंड लेडी, सन इन लॉ है तो फर्स्ट वर्ड भी चेंज कर देते हैं, डॉटर इन लॉ हो जाता है, डॉटर इन लॉ। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो चेंज करके डायरेक्टली बनते हैं, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं वो, उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, जैसे कि ग्रैंडसन, तो क्या हो जाता है उसका, ग्रैंड डॉटर, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग होता है, मतलब डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं वो, डिफरेंट ही होते हैं वो, आप जितना याद करोगे उतना ही आपके लिए वो सही होगा वर्ड। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, तो एडमिनिस्ट्रिक्स हो जाता है उसका वर्ड्स, जैसे लैड, लैड मतलब लड़का भी होता है, तो इसका हो जाता है लास, मतलब कि लड़की। तो ये आपको वर्ड्स तो समझने पड़ेंगे, ये फॉरेन वर्ड्स होते हैं, और एग्जीक्यूटर का मतलब होता है जो एग्जीक्यूट करता है, तो एग्जीक्यूट्रिक्स हो जाता है, जैसे लॉर्ड है तो लेडी हो जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं इसके अंदर, जैसे कि मिस्टर, मिस्टर का मिसेस हो जाता है या मिस हो जाता है, क्वीन है तो किंग हो जाता है, सन है तो डॉटर हो जाएगा, DAUGHTER, सन मतलब लड़का, डॉटर यानी पुत्री, अंकल का आंट हो जाएगा, UNCLE अंकल, तो AUNT आंट, जैसे फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, तो वैक्शन हो जाएगा इसका मतलब, ऑक्स मतलब बैल होता है, तो काओ मतलब गाय हो जाएगा,
इसी तरीके से अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग मतलब होता है कुत्ता, तो बिच मतलब होता है कुतिया। इसी तरीके से हीरो मतलब एक्टर मतलब हीरोइन हो जाता है इसका अपोजिट, और फादर जो बिल्कुल अलग ही होते हैं। ये जितना आप याद करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ही शी हस्बैंड, हस्बैंड का हो जाता है ये वाइफ, मेल फीमेल, सर तो मैडम, और बॉय तो बॉय का गर्ल। तो कुछ सिंपल सिंपल मीनिंग्स भी हैं, कुछ टर्म भी रखी है मैंने, ताकि आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये था जेंडर, जिसमें हमने चार तरीके के जेंडर्स को कवर किया है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में भी हमने कवर किया है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आएंगी भी कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के जेंडर्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जेंडर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी है, राइट। तो चलिए बाद में हम चीज़ों को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कि जेंडर, जेंडर के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी कि कितने टाइप्स के जेंडर्स होते हैं, राइट। तो जेंडर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, कुछ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए जो रूल्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे और कुछ एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होंगे उनको भी हम वहाँ पे कवर करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबेंट, डिसोबेंट है ये स्टूडेंट्स। इन द अबव सेंटेंसेस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का जो होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, मैस्कुलिन होगा, फेमिनिन होगा, कॉमन होगा या नन ऑफ एबव होगा। देखिए स्टूडेंट्स मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कॉमन जेंडर होगा, यानी कि जो स्टूडेंट वर्ड है ये क्या है, ये कॉमन जेंडर में आएगा। और मैंने बताया है चाहे वो मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है और न्यूट्रल्स, चारों जेंडर्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। करेक्ट फेमिनिन ऑफ राम इज, तो राम का जो करेक्ट फेमिनिन होगा वो क्या होगा। राम अपने आप में हिंदू धर्म के बहुत बड़ी एक इमेज की तरह है, हमारे भगवान है, तो उनकी जो फेमिनिन होगी वो क्या होगी। तो राम करेक्ट फैमिली इनका क्या होगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि राम का जो करेक्ट करेक्ट फैमिली होगा वो रैम का वो क्या होगा। देखिए अगर आप दोनों ही चीज़ों से अगर जाते हैं, अब दो चीज़ें हैं, अब आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब एग्जैक्ट और करेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है। अगर आप देखिए इसके दो आंसर्स होंगे, अगर आप ये बोलते हैं कि जो है अगर राम को एज अ भगवान की तरह लेते हैं तो उनकी वाइफ वो भी एक तरीके से तो सीता हो सकता है उसका आंसर। अगर अगर आप ऐसा नहीं समझते, अगर आप ऐसा नहीं समझते तो देखिए एक रैम होता है ना, अगर वो कैपिटल लेटर में लिखा होता तब तो हम मान लेते हैं क्योंकि वो एक पर्सनालिटी है, नाम है, लेकिन ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो रैम का मतलब पता है क्या होता है, मेढ़ा भी होता है। क्या होता है, मेढ़ा। क्या होता है, मेढ़ा जो बना रहता है ना, तो टोय, टोय होगा इसका फैमिली, क्या होगा, टोय होगा, मेढ़ी जो बनती है उसको टोय भी कहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। राइट द फेमिनिन ऑफ ड्रैक, तो डी आर ए के ई, डी आर ए के ई, इसका मतलब पता है ना क्या होता है, मक्खी होता है, इसका मतलब क्या होता है, मक्खी होता है। तो इसका करेक्ट क्या होगा बताइए, इसका होगा ड्यूक, क्या होगा, ड्यूक, मक्खी का मक्खा होता है, ड्यूक कहते हैं जिसको। फेमिनिन ऑफ मोंक, देखिए मोंक का मतलब होता है सन्यासी, फ्रायर का मतलब सन्यासी, तो नन का जो मतलब होता है ना वो सन्यासिनी होता है, क्या होता है, सन्यासिनी होता है। नन का मतलब, नन मतलब, नन मतलब एनीवन, नन मतलब सन्यासिनी होता है, राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मीनिंग नहीं पता होगी, जो जो अपने ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं, जैसे कि एक वर्ड दिया हुआ है स्पिनस्टर, राइट, क्या दिया हुआ है, स्पिनस्टर दिया हुआ है, तो ये जो काटने वाली होती है ना उसको हम कहते हैं,
इसका मतलब होता है काटने वाली। और हैफर का मतलब आपको पता है क्या होता है? H E F E R, हैफर, H E F E R, सॉरी, H E F E R, हैफर मतलब बछिया होता है, बछड़ा होता है, काफ होगा इसका, बछिया होती है, ये बछिया होती है, गाय की जो बछिया होती है ना उसको हम कहते हैं हैफर। अब है टेस्ट्रेटर। टेस्ट्रेटर का मतलब पता है ना क्या होता है? बहुत ये कॉमन वर्ड है। टेस्ट्रेटर का मतलब होता है वसीयत जो लिखता है उसको हम कहते हैं। ये वसीयत जो लिखता है ना, वसीयत वसीयत करता जो होता है, वसीयत करता उसको हम कहते हैं टेस्ट्रेटर। तो इसका हो जाएगा टेस्ट्रिक्स, ये होगा इसका करेक्ट, टेस्ट्रिक्स होता है। और बहुत ही ये फेमस वर्ड है, आता भी है पेपर में, तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। राइट द फैमिली ऑफ कोल्ट। अच्छा, अब कोल्ट का क्या मतलब होता है? कोल्ट, कोल्ट का मतलब होता है बछेड़ा। इसका क्या होगा? इसका होगा, कोल्ट का जो वर्ड होगा उसका होगा फिली, फिली होगा, राइट। इसी तरीके से हम आगे अगर बढ़ते हैं। राइट द फैमिली ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, तो नीस, NIECE, नीस होगा, भतीजी। बॉय हो गया, मैन हो गया, फादर हो गया, फायरमैन हो, ये क्या है? ये मैस्कुलिन टाइटल्स हैं, ये मेल को रिप्रेजेंट करने वाले टाइटल्स हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल फैमिली टाइटल के क्या होंगे? मदर डॉटर, मदर और डॉटर ही करेक्ट वर्ड है यहाँ पे। इसी तरीके से व्हाट इज द फैमिली ऑफ बैचलर। बैचलर का जो फैमिली होगा वो क्या होगा? बैचलर मतलब होता है जो अकेले बंदा रहता है, जो बैचलर लाइफ, जो शादीशुदा नहीं है उसको हम कहते हैं। तो बैचलर का अगर आप ढूंढ रहे हैं करेक्ट वर्ड, तो स्पिनस्टर होगा। स्पिनस्टर क्या होगा? स्पिनस्टर। स्पिनस्टर यूज करते हैं बैचलर के अपोजिट में, इसको हम कहते हैं इनस्पिनस्टर, राइट। यानी कि कुंवारी जो होती है, इसका बैचलर का मतलब ऐसे समय कुंवारा होता है, राइट। और कुंवारी जो होती है उसको हम कहते हैं स्पिनस्टर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फैमिली ऑफ अर्ल। एक वर्ड लिखा हुआ है EARL, क्या होगा? राजा। अर्ल का मतलब होता है राजा, तो रानी होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा रानी। और रानी के लिए यहाँ पे जो सबसे करेक्ट वर्ड है वो काउंटेंस, काउंटेस। फैमिली ऑफ ड्यूक, मैंने बताया था ड्यूक, और ड्यूक का जो फैमिली होगा वो होगा डचेस। इसी तरीके से लॉर्ड, लॉर्ड का तो लेडी होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट क्या है? कॉमन जेंडर है ना, कॉमन जेंडर है ना, मेल ना फीमेल, एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है। विच द फॉलोइंग नाउन्स इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब जो जो क्या होगा, जो जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो सीरीन्स वर्ड है जो न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में चर्चा करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर, तो लेटर जो है वो न्यूट्रल जेंडर को बिलोंग नहीं कर रहा है क्या? या कर्टन, या फिर सेलो, या लाइटो, या फिर वॉलनट, कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसको बिलोंग नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो साइलर है वो बिलोंग नहीं कर रहा। कर्टन तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेटर भी नॉन लिविंग थिंग्स, वॉलनट भी। तो सैलेड जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ द नाउन प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है जो ये एक प्रॉफिट, एक इस्लाम में यूज किया जाता है, जो लोग शिक्षा देते हैं उस प्रॉफिट कहते हैं उनको। और ये मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आई होप कि ये जो जो हमने जेंडर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, नाउन जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर, फैमिलीन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, सारे जेंडर्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, और आई होप कि चीज़ें समझ भी आएंगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो नंबर नीचे दिया हुआ इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बैचेस को ज्वाइन करना बहुत सिंपल है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है ज्वाइन, जो बैच चल रहा है उस बैच का नाम, अपना नाम, और जिस भी सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं उस सिटी का नाम, और आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप 8770077431 पे। बस आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारे बैचेस में। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।